राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्री में चल रहे 7 दिवसीय NSS कैंप का समापन हो गया है। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र बंसल ने मुख्य रूप से भाग लिया। NSS कैंप में अव्वल प्रदर्शन करने वाली 3 लड़कियों सिमरन कौर, तानिया व ज्योति को सम्मानित किया गया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र बंसल ने कहा कि NSS शिविरों की विद्यार्थी जीवन काल में विशेष आवश्यकता व महत्व होता है। इन शिविरों के माध्यम से एक दूसरे की मदद करके वह समाज में मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है। इंद्री से न्यूज 1 हरियाणा के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप गौतम जी थे यहाँ पे और बच्चों के वर्किंग को देखा और बहुत अच्छा लगा हमें भी, और बच्चों की जो एनर्जी देखते ही बनती थी, और स्कूल को उन्होंने बहुत चमकाया, बहुत सुंदर बना दिया प्रांगण को, और बच्चों को इससे जो है एक सोसाइटी में किस तरह से एक दूसरे की हेल्प की जा सकती है उसकी भी शिक्षा मिलती है। इस यही कैंप का आयोजन का मुख्य लक्ष्य था। तो और स्कूलों में भी इस तरह का कार्यक्रम करेगा? हाँ, ये हमारे ना गवर्नमेंट स्कूलों में जो बड़े स्कूल हैं, क्योंकि इसमें केवल 11th और 12th के बच्चे ही NSS यूनिट से जुड़ते हैं, बड़े स्कूलों में जहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है वहाँ पर है। अभी पिछले हफ्ते ही जो है ना बॉयज़ स्कूल इंद्री में भी NSS कैंप का समापन हुआ है, अब ये यहाँ पर हुआ है। तो किस प्रकार की एक्टिविटी रहती है? एक्टिविटीज़ जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बच्चों को सिखाई भी जाती है, उनको एक मौका भी दिया जाता है उसमें पार्टिसिपेट करने का, और कुछ सीखते भी हैं बच्चे। और जब सैनिटेशन के बारे में, हाइजीन के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जो है ना सिखाया जाता है, कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता है, पर डे जो है डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, वो बच्चों को गाइड करते हैं। करना हमारे खासकर के राजकीय जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर ही ऐसा संस्कारित करना बच्चे को कि कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, और सबसे पहले हमें अपने समाज की जिसमें हमने रहना है उसके लिए जो भी निर्माण कोई भी करना हो किसी तरह का भी कार्य है, तो ये बच्चों को इस तरह की शिक्षा इसके अंदर दी जाती है ताकि वो आगे चल के उनका जो है सांस्कृतिक और मानसिक विकास जो है एक अच्छा जो नागरिक बनने के लिए एक अच्छा व्यक्तित्व का उनके निर्माण हो, पर्सनैलिटी डेवलप का इसमें बहुत जोर दिया जाता है, और भिन्न भिन्न तरह की शिक्षा के अंदर जो चीज़ें रह जाती हैं उसके शिक्षा से इतर जिसको हम कहते हैं उनका व्यक्तित्व के निर्माण के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, और ये बहुत अच्छी एक योजना है और ये हमारे स्कूल के अंदर की गई है। हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है, और ख़ास तौर पर यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ये गर्ल्स स्कूल है, महिलाओं के अंदर लड़कियों के अंदर इससे एक आत्मविश्वास की बहुत वृद्धि होती है जब वो देखती हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आके लोग उनको संबोधित करते हैं और उनको जो